नमस्कार, आपण पाहताय न्यूज 18 लोकमत। आपल्या सगळ्यांचं स्वागत, मी मिलिंद भागवत। आणि सुरुवात करूयात एका महत्त्वाच्या बातमीनं। सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणी नवनवीन माहिती समोर येते आणि न्यूज 18 लोकमत त्याचा सातत्यानं पाठपुरावा करत आहे। जे नवीन माहिती हाती आली आहे, तर सुशांतसिंह राजपूतचा जो स्वयंपाकी होता, जो त्याच्याकडे तो मुंबईत आल्यापासून काम करत होता, त्यानं न्यूज 18 लोकमतशी खास बातचीत केली। सुशांतच्या घराचा सगळा कंट्रोल हा फक्त रियाच्या हाती होता, एवढंच नाही तर सुशांतच्या अगदी जवळचे किंवा त्याच्या विश्वासातले असणाऱ्या 14 जणांना रियानं नोकरीवरून काढून टाकलं होतं। एवढंच नाही तर सुशांतसिंह राजपूतच्या बँकेचे सर्व व्यवहार आणि आर्थिक जबाबदारी रियाज सांभाळत होती असा खुलासाही त्यानं केला। इस पूरे मामले में अब तक जो जांच हुई है, चाहे मुंबई पुलिस कर रही है, चाहे बिहार पुलिस कर रही है, रिया चक्रवर्ती का रोल सबसे ज्यादा अभी तक सामने आ रहा है कि उन्होंने किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया, किस तरह से उन्हें परेशान करती थी। एक बात बताइए, रिया क्या पूरे कंट्रोल घर को कंट्रोल करती थी? हाँ, कंट्रोल तो करती थी, पर कभी सर को परेशान करते हुए हमने अभी आज तक कभी नहीं देखा, क्योंकि सर को अभी आज तक ऐसा कुछ परेशान किस तरह से कंट्रोल करती बस कंट्रोल मतलब जो है उनको पहले क्या होता था, कुछ चीज भी लेना हो देना हो पैसे वैसे तो रिया मैम को देते, रिया मैम सर को बोलते थे कि शॉर्ट फॉर्म बोलते थे सुशी सुशी, इसको इसको इतना, इसको इतना देना है, लेन देन करना है, तो सर बोलते थे डन है, तो वो हो जाता था। ऐसे करते करते तो वो सर से भी पूछ लिया, फाइनेंशियल चीजें वही देखती। हाँ, वो उन्हीं के हाथ में हो गया था, जो भी खर्चा वर्चा जो भी बोलते थे तो वो खुल गई थी, जैसे सर है वैसे वही हो गई थी। यूरोप टूर के बाद क्या हुआ था? यूरोप टूर के बाद तो वहाँ से आने के बाद तो सर के जाने से पहले ठीक थे, वहाँ से आने के बाद जो है ना उनकी तबीयत जबीयत जो थे ना काफी चेंज हो गया था, उनकी तबीयत में काफी बदलाव आ गया था उनके। किस तरह से बदलाव है? बदलाव मतलब वो कुछ डाउन से लग रहे थे, तो यहाँ से हैप्पी माइंड में गए थे तो वहाँ से आए थे तो कुछ इतना हैप्पी माइंड नहीं लग रहा था उनका। आने से पहले हमें एकदम अटैक नहीं मिले, तो रिया मैम के घर पे रुके कुछ 4-5 दिन बाद ही, तो 5-5 दिन बाद ही वो घर पे आए थे, हम उनसे मिले थे, देखा था, तो हाय हेलो करा था, बोला था सब ठीक है, बोला था सर ने हमसे पूछा था, हमने कहा सब ठीक है, तो उस टाइम डाउन थोड़ा सा डाउन हो रहा था, तो कुछ खा नहीं रहे थे, पी नहीं रहे थे, पहले जैसा मतलब परेशान नहीं करते थे, परेशान मतलब परेशान नहीं करते थे, तो उनको हर 5 मिनट में कुछ ना कुछ चाहिए रहता था, कॉफ़ी ये कुछ भी ला के दो ये वो, इस तरह का सब वो नहीं हो रहा था, तो हम सोचते थे सर इतना बोलते थे, अब आजकल खा नहीं रहे पी नहीं रहे, तो हम ऐसे बदल से गए। हाँ, तो ऐसे लगता तो बदल से गए। ठीक है, और जानना चाहेंगे नीरज की, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि जो साइकेट्रिस्ट जहाँ पे सुशांत जी का इलाज चल रहा था वहाँ पर रिया खुद जाती थी या फिर सुशांत को लेके जाती? उस चीज़ को तो मेरे को नहीं पता, उस चीज़ को मैं जब पावना में था जब पता चल रहा था कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, अब ये नहीं पता किस चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है, वो मेरे को हाउस मैनेजर ने बोला, हाउस मैनेजर को मैंने कुछ पैसे वैसे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा के लिए बोला, तो उन्हें बोला अभी सर से मैं पैसे नहीं मांग सकता, अभी एडजस्ट कर लो जैसे भी रहेगा दोनों, तो सर की तबीयत रहेगी तो फिर और कर लेंगे जैसे भी, अभी एडजस्ट कर लो, तो ट्रीटमेंट बताओ हमें, तो हमें लगा सबसे हमें पता चला कि सर की तबीयत बहुत डाउन चल रही है। रिया ने कुछ स्टाफ को भी निकाला था? स्टाफ को तो अभी निकाला था ना बीच में, अभी लॉकडाउन से पहले कुछ मार्च में कुछ निकाले थे, साहिल बॉडीगार्ड को निकाला था जो सर का बिल्कुल ही खास पर्सनल बॉडीगार्ड है, तो सर ने कभी भी उनको निकाला नहीं, और जो उनका जो सैप है 4 साल से बहुत पुराना सैप है, क्या नाम है उनका? अशोक नाम है। हाँ, उनको भी पता नहीं क्यों निकाल दिया सर ने, तो कभी निकाला नहीं, और खास खास लोग थे उनको, खास खास को लोग निकाला क्योंकि वो सर की तरफ ज्यादा थे, रिया मैम की तरफ ज्यादा नहीं थे, मतलब कहीं ना कहीं रिश्ते खराब थे। हाँ, कहीं ना कहीं रिश्ते खराब थे, फिर उन्होंने कैशियर को भी हटाया, जो कैशियर जो भी बहुत अच्छा बंदा था, जो कुछ भी खर्चे फालतू के होते थे तो बोलता था मुझे पक्का बिल ला के दो, क्या पता उसी वजह से भी उसका पत्ता सा। तीन खास बंदों को निकाला गया। हाँ, तीन खास बंदों को निकाला। कैमरा नतीश के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई।